मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। मैथ्स क्लास, हाँ जी, मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम लोग, क्योंकि स्टैटिक्स का जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हमारा कवर हो चुका है। अभी हम करेंगे मैथ्स। मैथ्स में हम इंजॉय करेंगे, स्टैटिक्स में तो इंजॉय किया ही है, अब हम मैथ्स में इंजॉय करेंगे। तो वेलकम टू मैथ्स क्लास विद मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला। हाँ जी, और साथ में वेलकम करते हैं एसएसवी एकेडमी की तरफ से आपका। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। मैथ्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं, सब आसान आसान चैप्टर है और सारे के सारे बहुत इजी है, और इजी से इजी हम 100 ट्रिक के साथ करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आज उठा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये सीक्वेंस एंड सीरीज, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और विद 100 ट्रिक करेंगे। ठीक है, ऐसे 100 ट्रिक आपसे कंपेयर कर लेना किसी भी आपके फ्रेंड से, किसी भी एकेडमी से, और कहीं भी, चाहे हिसार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे कहीं भी हो, आप कंपेयर कर लेना, अपने से ज्यादा कहीं मिल जाए ना तो बोल के दिखाना। हाँ जी, देखो सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जो आपने प्लस वन के अंदर भी किया है, टेंथ क्लास के अंदर भी किया है, बहुत ईजी चैप्टर है। और सीक्वेंस सीरीज ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे एग्जाम के अंदर आता है, सीए फाउंडेशन में आता है। ठीक है, और आप इससे भी ज्यादा जो लेवल है, जैसे कि टीजीटी है, पीडीजीटी, पीजीटी है, बीएससी एग्रीकल्चर है, एनडीए है, एयरफोर्स है, नेवी, सब जगह आता है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आप एसएससी का एग्जाम दो, सीजीएल का एग्जाम दो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, जहां पे एडवांस मैथ आएगा वहां पे ये चैप्टर का नाम, इस जिस चैप्टर का जिक्र जरूर होगा। तो चैप्टर का नाम सीक्वेंस सीरीज है। तो सीक्वेंस सीरीज आपको पता है, वैसे सीक्वेंस सीरीज आपको पता हुआ, टेंथ क्लास में भी किया है, प्लस वन में भी किया है, लेकिन यहाँ पे वो मतलब नहीं है जो आपने पढ़ा था, यहाँ पे और भी बहुत कुछ है। आपने सिर्फ एपी पढ़ा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हो सकता है आपने जीपी पढ़ा हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हो सकता है आपने एचपी पढ़ा हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, लेकिन एजीपी भी है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्पेशल सीरीज यूएस के अंदर। देखो क्या क्या चीजें करते हैं। सबसे पहले एपी, एपी तो प्यार का नाम है इसका, प्यार से बोलते हैं, नाम क्या है इसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके बाद एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उसके बाद एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके बाद स्पेशल सीरीज, ये स्पेशल सीरीज, इसको प्यार से कुछ नहीं बोलते, स्पेशल सीरीज ही बोलते हैं। इन सब का प्यार से नाम हमने रखा हुआ है, एपी, जीपी, एचपी और एजीपी। ठीक है सर, एपी हमको पता है, जीपी पता है, एचपी का थोड़ा बहुत पता है, एजीपी तो सुना नहीं हमने, और स्पेशल सीरीज तो चिड़िया, किस चिड़िया का नाम है। तो ये सारे का सारा करेंगे, इसके अलावा भी बहुत कुछ करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो बुक में बहुत ज्यादा लेंथी है। ठीक है, और आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप इधर उधर से भी जरूर देखते होंगे कि कौन सा टीचर कैसे करवा रहा है, आपके जो फ्रेंड है वो अकेडमियों में भी टीच करते होंगे, पढ़ते होंगे, और वहां से भी कंपेयर करते होंगे, और भी वीडियो देखी होगी, कंपेयर करके देखना, और मजा ना आए तो फिर बोलना। देखो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक यहाँ पे देख लेते हैं कि पता कैसे चलेगा कि हमको कौन सी सीरीज है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ इनका, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, क्या इनका डिफरेंस सेम है क्या? हाँ जी सर, 1, 3 का डिफरेंस 2, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, डिफरेंस सेम रहेगा, जिसमें डिफरेंस सेम रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सर इसमें क्या होगा, इसमें जो है रेशो सेम होगा, जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, कॉमन रेशो जो है वो सेम होगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक क्या होता है भाई, एपी का रेसिप्रोकल कर दो, एपी का रेसिप्रोकल कर दो, वो क्या होता है, एचपी होता है। एपी का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे वो क्या होता है, एचपी। लो जी इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 एपी का रेसिप्रोकल। एपी समझ में आया ना, डिफरेंस सेम होता है, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, इसमें एपी भी होता है और जीपी भी होता है, जैसे कि
वन मल्टीप्लाई टू प्लस में टू मल्टीप्लाई फोर प्लस फोर मल्टीप्लाई एट फाइव वन टू थ्री ले लो यहाँ पे थ्री मल्टीप्लाई एट उसके बाद फोर मल्टीप्लाई सिक्सटीन और फाइव मल्टीप्लाई थर्टी टू ऐसे चलता जा रहा है। मतलब कि एक टर्म तो रहेगी एक पी की और एक टर्म रहेगी जी पी की, मल्टीप्लाई होगा बीच में प्लस दे सकता है, तो इस तरीके से सीरीज होगी। इसको बोलते हैं ए जी पी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक भी है ज्योमेट्रिक भी है, ठीक है ना। और सबसे बाद में स्पेशल सीरीज, नाम ही स्पेशल है तो ये खुद तो स्पेशल, देखो कितना होगा ये स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज का मतलब वन थ्री सिक्स टेन फिफ्टीन, अरे सर ये क्या हो गया, इसमें ना तो डिफरेंस सेम है, पहले टू का डिफरेंस फिर थ्री का फिर फोर का फिर फाइव का, ना सर रेशो सेम है, ना ये रेसिप्रोकल है पी का, ना ए जी पी है, तो ये स्पेशल सीरीज है, तो ये क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखो कितनी सारी सीरीज होगी, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। पहले तो चलो अपने स्टैटिक्स स्टार्ट किया था हम लोगों ने, स्टैटिक्स के अंदर तो इन्जॉय किया ही किया सबने, मैथ के अंदर तो इतना इन्जॉय करेंगे बस देखते रह जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि अपन तो फेमस ही किस नाम से है, मैथ्स प्लेयर के नाम से, ठीक है। रात को नींद में उठा के भी पूछोगे ना सर ये क्वेश्चन बता दो, तो भी नींदों में बता सकते हैं, हाँ भाई इसका ये क्वेश्चन का ये आंसर आएगा, आदत से मजबूर हो गया अभी कितने साल हो गए। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एपी से, पहले एपी करेंगे कंप्लीट, एपी के बाद फिर हम आगे चलेंगे जीपी और एचपी के साथ। तो एपी के देखेंगे, हाँ जी, तो एपी के हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन है जिसके साथ आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा सारे का सारा। कितने क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 11 गिन के 11 क्वेश्चन करेंगे, 11 के बाद फिर 6 क्वेश्चन करेंगे, तो इस तरीके से हमारा जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा सीक्वेंस सीरीज का। सर आपने क्वेश्चन गिन रखे कि हाँ जी पहले 11 करेंगे फिर 7 करेंगे फिर 6 करेंगे, देखते जाओ कैसे चुटके के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले एपी कोई भी सीरीज ले लो जो आपका मन करे, कोई भी सीरीज ले लो जो आपका मन करे, कुछ भी या कोई सीरीज एज्यूम करो। सर हम ले लेते हैं 1 3 5 7 9, इस तरीके से चल रही है ये सीरीज ले ली हमने, कोई भी ले लो 1 3 5 7 9, ये क्या हो गई जी एपी हो गई। एपी के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए। जल्दबाजी मत करना, बहुत बच्चे जिन्होंने चैप्टर का रखा है जिसके पास प्लस उनके अंदर मैथ भी होगा, प्लस टू के अंदर मैथ होगा, लेकिन जल्दबाजी मत करना, ये मत बोलना सर ये तो आता है, एडवांस चीज भी करेंगे लेकिन रिलैक्स होके करना है, जल्दबाजी में दिक्कत हो जाती है, बिल्कुल इजीली तरीके से बिल्कुल आराम से करो। फर्स्ट टर्म कितनी है ए, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं डी, टर्म को लिखते हैं टी से। अब जैसे देखो डी है, डी क्या है कि थ्री में से वन चला गया, टू का डिफरेंस है, फाइव में से थ्री चला गया, सेवन में से फाइव चला गया, इस तरीके से। मतलब कि किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर दो, जैसे कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, या हम बोल सकते हैं एन टर्म में से एन माइनस वन टर्म, बोल सकते कि नहीं बोल सकते। देखो मैंने समझाते समझाते आपको फॉर्मूला चिपका दिया, ये फॉर्मूला है किसका, डी निकालने का। सर पता ही नहीं चला कब फॉर्मूला करा गया आप, ऐसे पता नहीं चलेगा कि कब सिलेबस हो गया, ठीक है ना। ये डी है इक्वल टू टी एन माइनस टी एन माइनस वन, क्योंकि किसी भी टर्म में से उसकी पिछली टर्म माइनस कर दो, दसवीं टर्म में से नौवीं करो, ग्यारहवीं में से दसवीं करो, डी आ जाएगा, डी तो सेम ही है ना। तो डी इक्वल टू हो गया टी एन माइनस टी एन माइनस वन, टर्म को नोट करते हैं टी से। एन होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। अब एक चीज का जवाब दीजिए, ये क्या है ए, अब ए के अंदर अगर मैं डी ऐड कर दूं तो ए प्लस डी हो गया, ठीक है। ए कितना है, ए तो सर वन है, डी कितना है, डी इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है टू है, तो वन के अंदर वन के अंदर हमने टू ऐड कर दिया तो थ्री बन गया। सर एक बार डी और ऐड कर दो, थ्री में डी, थ्री में टू ऐड कर दिया तो क्या बन गया, फाइव बन गया, फिर डी ऐड कर दिया, फिर डी ऐड कर दिया,
तो इस तरीके से चलता जा रहा है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, ये पांचवी टर्म है, ठीक है। जैसे कि लिख रहे हैं हम लोग, क्या लिख रहे हैं, देखिए हम ये लिख रहे हैं कि जो T1 है वो A है, T2 क्या है A प्लस डी है, T3 क्या है A प्लस 2D है, और T4 क्या है A प्लस 3D है। तो मतलब कि यहाँ पे जितना भी है ना उससे कम आएगा, यहाँ पे जितना भी है उससे कम आएगा। तो अगर मैं n लिखूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे जितना भी होगा ना उससे एक कम आएगा, देखो यहाँ पे जितना भी उसे कम आएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया nth टर्म निकालने का। लो जी एक फॉर्मूला और चिपका दिया, पता चला कब फॉर्मूला कर गए, सर पता ही नहीं लग रहा। ये nth टर्म का फॉर्मूला, d का फॉर्मूला भी हमने लिखा था, ठीक है। इसी तरीके से अब चलते हम आगे, ये तो हो गया दो फॉर्मूले हमको ध्यान हो गए। अब अगर हम इनका सम करेंगे, सर सम कैसे करेंगे, सम करने में तो दिक्कत हो जाएगी। तो सम देखिए किस तरीके से करेंगे, जो सम का फॉर्मूला रहेगा वो क्या होएगा, एस एन एन बाई टू टू ए एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा। तो सम का फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, क्या फॉर्मूला है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगर इनका सम करना है तो। एन क्या है यहां पे, एन है नंबर ऑफ टर्म, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, पुट करो आंसर पाओ, पुट करते ही आंसर आ जाएगा बस। एक फॉर्मूला और कर रहे हैं, एस एन एन बाय टू ए प्लस एल, एन पता है आपको, ए पता है आपको, एल एल क्या है, एल इज द लास्ट टर्म, एल क्या है लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला भी है सम का और ये फॉर्मूला भी है। तो अब देखिए अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले तो एपी का मतलब देखा कि एपी का क्या मतलब है, डिफरेंस सेम होगा, ये एपी का मतलब है। फर्स्ट टर्म को ए बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस को डी बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म जो भी निकालनी होगी उसको टी एन से नोट करेंगे, टी एन निकालना तो ये फॉर्मूला, डी निकालना तो ये फॉर्मूला, एस एन निकालना है तो ये फॉर्मूला, एस एन निकालना है तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। एपी के अंदर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इतना ही है एपी के अंदर। इसको यूज कैसे करना है, इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे करने हैं, अभी 11 क्वेश्चन करा रहा हूँ गिन के, ठीक है, एक नहीं दो नहीं पूरे 11 क्वेश्चन कर रहे हैं इनके ऊपर, ताकि एग्जाम के अंदर बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे हो जाए इसी कंसेप्ट के साथ। तो गिनते रहिए क्वेश्चन और करते जाइए। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, सीरीज हम यही लेके चल रहे हैं। और फॉर्मूला बस आपको ध्यान रखना है, जब भी मैं फॉर्मूला पूछूं फटाफट बिना सोचे फॉर्मूला बता देना है, सर टी एन का, डी का, एस एन का, एस एन के दो फॉर्मूले, लास्ट टर्म पता है तो लास्ट टर्म वाला, और लास्ट टर्म नहीं पता तो ये वाला। हाँ जी, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट कर लेंगे फटाफट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जितना मैं करा रहा हूँ उसी में से आएगा। हर लेक्चर के अंदर ये बात बोली जाती है, हर लेक्चर के बाद ये बात आ जाती है कहीं ना कहीं, जितना क्लास के अंदर करा रहा हूँ उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ना तो किसी नोट्स की ज़रूरत है ना किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की ज़रूरत है, बस ये देखते जाओ, थोड़ा सा विश्वास रखो खुद के ऊपर और सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर, मेरे से ज़्यादा खुद के ऊपर, ठीक है ना। जितना क्लास के अंदर करा रहा हूँ मोर देन सफिशेंट है, ठीक है। आप लोग अंकुर सर को भी कॉल करते हो, सर स्टडी मटेरियल दे दो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दो, ठीक है। और मेरे को ये बताओ अपना पर्पज क्या है, अपना पर्पज है एग्जाम के अंदर रैंक लाना, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोल रहा एग्जाम के अंदर पास होना, ये भी नहीं बोल रहा एग्जाम के अंदर एग्जामिनेशन लाना, क्या है अपना जो पर्पज है, अपना जो एम है वो क्या है, रैंक लेके आना। और रैंक लाने के लिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई आप सीए बन जाओगे, ठीक है। ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, जहाँ दिमाग चला रहे हो वहाँ पर इतना दिमाग चलाओ कि उसके अलावा और कुछ बचे ही ना, ठीक है ना। जमीन से पानी निकालते हो ना, कैसे निकालते हो,
देखा होगा जमीन से पानी निकालते हैं, कैसे निकालते हो? सर जमीन में खड्डा खोदना पड़ता है, जमीन में खड्डा खोदना पड़ता है। कितने खड्डे खोदने पड़ते हैं? 100 खड्डे खोदोगे तब पानी निकलेगा, या एक जगह 100 खड्डे खोदोगे तब पानी निकलेगा? सर कमाल की बात कर दी, एक जगह 100 खड्डे खोदने पड़ेंगे तब जाके पानी निकलेगा, 100 खड्डे खोदने से पानी नहीं निकलेगा। तो जो चीज कर रहे हो वो इतनी बेस्ट, इतनी बढ़िया तरीके से कर लो कि आप लोग ना आपको जाने, उस चीज से जाने लग जाए आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सीरीज ये वाली है, 10th टर्म निकालनी है इसकी। 10th क्यों लिया? कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो जो आपका मन करे वही टर्म निकाल लो। ए प्लस 90 आएगा कि नहीं आएगा? कैसे आएगा? जो यहाँ पे होता है उससे कम होता है। हाँ जी, ए प्लस 90 आ गया। ए कितना है सर? 1 है। डी कितना है? डी अभी बताया, इनका डिफरेंस ले लो कितना है, 2। आंसर कितना आ गया? 90। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। सर ये तो बहुत आसान लग रहा है। आसान है नहीं, आसान अभी इस तरीके से मैंने कराया इसलिए जी लग रहा है। एग्जाम के क्वेश्चन भी करेंगे, बुक में से भी क्वेश्चन करेंगे, तरीका यही रहेगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन, कोई भी टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए पता था क्या आपको? हाँ जी, सीरीज दे रखी है, ए पता था हमको। एन पता था क्या आपको? हाँ जी, एन तो दे ही रखा है, उसने पूछ रखा है। डी पता था क्या आपको? हाँ जी, इनका डिफरेंस कर लिया, बचा क्या? पुट करो, आंसर आ जाएगा बस। फटाफट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बस बोर्ड पे ध्यान देते रहो, करते रहो, बुक उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैथ तो ऐसा टिप्स पे होगा कि बस बुक तो मैं ही नहीं उठाऊंगा। देखो पूरे मैथ के अंदर आपको दिखेगा नहीं क्या क्या मैं बुक से क्वेश्चन करा रहा हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं टिप्स पे, सारे के सारे याद है। हर चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक फॉर्मूले से सारे के सारे इस तरीके से करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोई भी टर्म ले लो इसके अंदर। मान लीजिए कोई टर्म दे रखी है इसके अंदर, मान लीजिए 27 दे रखी है। ये सीरीज है, कोई टर्म है 27, ये बताना कौन से नंबर की टर्म है। फाइंड एन, एन फाइंड आउट करना है। तो एन फाइंड आउट करेंगे तो टर्म का तो सर एक ही फॉर्मूला है। हाँ, जो आपके पास है वही मोर देन सफिशेंट है, उससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। उसको यूज कैसे करना है वो देखना है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो जो है वो पुट कर दीजिए। ए 1 है, एन नहीं पता, नहीं पता तो कोई बात नहीं। डी कितना है? 2। 1, 2n माइनस 2 इक्वल टू 27, 2n हो गया माइनस 1, 27, 2n इक्वल टू 28, n इक्वल टू 14। जो 14 टर्म है वो हमारी 27 आएगी। हो गया क्वेश्चन, नोट कर लो फटाफट। सर फेयर कॉपी में नोट करें क्या? हाँ जी बिल्कुल, फेयर कॉपी में साफ सुथरा बढ़िया तरीके से नोट कर लो, ठीक है। कॉपी चेक होएगी आपकी, बीच में कभी भी पिक मंगा सकता हूँ। और बेटा जिस दिन भी ऑफलाइन स्टार्ट हुआ, सबसे पहला लेक्चर इंट्रो बाद में करूंगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन बाद में करेंगे, पहले नोटबुक चेक करूंगा, ठीक है ना। ये स्टाइल है मेरा, नोटबुक चेक करेंगे पहले, बाद में इंट्रोडक्शन लेंगे। तो n इक्वल टू क्या आ गया? 14, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, सीरीज यही लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। अलग अलग सीरीज को चेंज करने के बजाय एक सीरीज लेके चल रहे हैं, सारी चीजें उसमें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको सम निकालना है। कितने टर्म का निकाल ले? जो आप मन करो 10, 12, 15, 20, जितने टर्म का बोलो उतने टर्म का निकाल लेते हैं। 12 टर्म का निकाल दो, कोई भी नंबर ले लो, नंबर ही में फर्क आएगा, एन भी पुट करना है, बाकी तो सेम ही चीज है। सब फॉर्मूला हम बताएं क्या? बताओ भाई फॉर्मूला। फॉर्मूला है जी एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ जी 12 है तो 12 बाय 2 करेंगे 2a, a कितना 1 है, n, n कितना 12, 12 में से गया 11, 11 और ये कितना हो गया डिफरेंस 2, बस ये पुट कर दीजिए। ये कितना आ गया 6, ये हो गया 11 तो नहीं 22 और 2 24, 24 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 144 आंसर आ गया बस। तो आपसे क्या पूछ सकता है, सम पूछ सकता है, क्वेश्चन में क्या देगा? a दे देगा, d दे देगा, n दे देगा। तो आप फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे
और जो क्वेश्चन करा रहा हूँ यही क्वेश्चन आएंगे जब स्टडी मटेरियल उठाएंगे ना, फिर देखना सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ऐसे टिक करोगे ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से कर। क्वेश्चन नंबर फोर देखने जा रहे हैं, तो तैयार ही है क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है आपको सम दे रखा है कुछ टर्म का, कितना सम दे रखा है 225। आज मैं बीच में वीडियो में कोई एडिट नहीं कर रहा, आपने देखा होगा स्टैटिस्टिक्स की वीडियो में एडिट होता है। एडिट कैसे होता है कि मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर वीडियो को पॉज कर देता हूँ या बीच में कट लगा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन नोट कर रखा होता है बोर्ड पे, फिर दोबारा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आज कोई कट नहीं है बीच में, क्यों कट नहीं है, क्वेश्चन ही सारे के सारे याद है, बुक में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टैटिक्स में तो क्या होता था, क्वेश्चन ढूंढना पड़ता था, अरे बच्चों को कौन सा क्वेश्चन कराएं, इजी सा करा देते हैं, थोड़ा सा हो जाता है फर्क सा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है, कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे मैथ के अंदर, तो देखते जाइए। 225 हमने सम ले लिया, कितने टर्म का सम है ये निकालना है। 225 फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला क्या था, सब फॉर्मूला था n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। अभी तो बेसिक है, ये ट्रिक नहीं है, बेसिक से कर रहे हैं, ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन एक बार बेसिक कर लो, बेसिक कर लिया तो ट्रिक भी समझ में आ जाएगी, बेसिक कर लिया तो ट्रिक भी समझ में आ जाएगी। आंसर तो इसका 15 आएगा, अभी बता देता हूँ, 15 आएगा इसका आंसर, अभी बता देता हूँ, फिर सर क्वेश्चन करने की जरूरत ही क्या रहेगी, ताकि आप ये बता पाओ कि इसका आंसर 15 कैसे आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बेसिक से कर लो, 225, तो n कितना है नहीं मालूम आपको, कोई बात नहीं, a कितना है 1, सीरीज इसी के ऊपर ले रहे हैं, n नहीं पता, d कितना है 2, लो जी 225, n बाय 2, 2, 2n माइनस 2, बोलो 2 से 2 कटा क्या, हाँ जी कट गया सर। अच्छा ऊपर क्या हो गया 2n स्क्वायर, नीचे क्या हो गया 2, और ये आ गया 225, 2 से 2 कट हो गया, एन स्क्वायर 225, 225 का रूट कर दो सर 15, बताया तो था 15 आएगा। सर आपको सारे आंसर याद है क्या, मोस्टली क्वेश्चन जो हम करेंगे बोर्ड के ऊपर या बुक के अंदर भी मोस्टली के सारे को के सारे आंसर याद मिलेंगे मेरे को, कैसे हो गए, बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, हर बार कराते हैं वो क्वेश्चन, इतने सारे बैच लेते हैं, ठीक है। कई बच्चों को ये भी होता है सर आप डाउट्स कम लेते हैं, अभी तो डाउट्स ले लिए थे मैंने, कल डाउट्स ले लिए थे बच्चों के, जैसे कि 9 to 5 तो मेरा ऑफिस ही होता है, जॉब होती है मेरी मैथ्स, जहाँ पे परमानेंट जॉब है, ठीक है, तो वहाँ पे बैच होते हैं मेरे, 6 बैच 7 बैच दिन के अंदर होते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं अभी मत तो वहाँ, क्योंकि लॉकडाउन है ना अभी, तो ऑनलाइन ही चल रहा है सारा, तो वैसे भी कितने बैच होते हैं दिन में, 6-7 बैच तो नॉर्मल है, 3 महीने में एक बार सिलेबस खत्म हो जाता है, तो 1 साल के अंदर 4 बैच हो गए, और ये काम कितने सालों से कर रहे हैं, 10 सालों से। और हिसार तो एक छोटा शहर है, यहाँ तो बहुत ही कम बच्चे होते हैं, दिल्ली चंडीगढ़ जाओगे तो 200-200 बच्चे वैसे बैठे हैं, और ऐसे ऐसे पता नहीं 8 बैच लेने होते हैं कि 10 बैच लेने होते हैं, ऐसे सुबह लगना पड़ता है 8 बजे, शाम को 8 बज जाते हैं, पता नहीं चलता दिन कब है, रात कब है, सुबह कब है, शाम कब है, ठीक है ना, सिलेबस यही होता है सारे का सारा। तो उसके बाद देखेंगे एन आपका 15 आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था टी एन का, 2 क्वेश्चन करा दिए, टर्म निकालना है, टर्म दे रखी है, एन निकालना है, फिर फॉर्मूला कराया था सम का, सम निकालना है, सम दे रखा है, टर्म निकालनी है, अब एक फॉर्मूला और किया था एस एन एन बाय टू ए प्लस एल, ठीक है ना, एक ये वाला कर लेते हैं, जैसे कि सीरीज है 1, 3, 5, 7, 9, और ऐसे कर करके ये 31 तक जा रही है, ऐसे कर करके 31 तक जा रही है, सम बताना है इसका, अरे सम बताना, इसमें तो लास्ट टर्म दे रखी है, तो आप पीछे वाला फॉर्मूला था वो भी लगा सकते हो, पीछे वाला फॉर्मूला था वो भी लगा सकते हो, लेकिन सर एन तो नहीं पता इसके अंदर, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्यों, इसके अंदर लास्ट टर्म तो पता है, पिछले वाला भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ए पता है, एल पता है, ए पता है, एल पता है, पीछे वाले फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर क्या पता है आपको, सर ए भी पता है और डी भी पता है, तो ये लगाओ चाहे ये लगाओ आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा आंसर में, सर बात तो एन की रहेगी, एन कैसे निकालना है, एन तो दे ही नहीं रखा, हाँ जी एन तो आपको निकालना पड़ेगा, तो पहले तो एन ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद ऐसे निकाल लेंगे, तो एन कैसे निकालें, अब इसको एनथ टर्म मान सकते हैं क्या भाई, एनथ टर्म मान लिया इसको, ये एनथ टर्म है, एन ही तो फाइंड आउट करना है,
कोई बात नहीं, इसको अनंत सम मानना, फॉर्मूला लगाया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी 31। तो a कितना है, 1 है, n कितना है नहीं पता, d कितना है, d सर 2 है, ये हो गया 31। तो 1 प्लस 2n माइनस 1 31, ये 2 हो गया यहाँ पे, और ये आ गया 2n माइनस 1 31, 2n इक्वल टू 32 और n आ गया 16, n कितना आ गया 16 आ, तो 16 बाय 2 a प्लस n, तो ये 8 और 32, ये आ गया 256, तो ये आपका आंसर आ, ठीक है ना। तो ये बस ध्यान रखना है कि n फाइंड आउट करना है, तो n किस तरीके से निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे n को, ठीक है ना। तो बस ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 5, n इस तरीके से निकालें, ठीक है। तीन क्वेश्चन कराए थे, तीन फॉर्मूले कराए थे, तीनों पे क्वेश्चन हो गया, ठीक है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी हो गया। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अभी सीरीज का काम खत्म हो गया, अब बिना सीरीज के आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है अर्थमेटिक मीन के ऊपर। सर अर्थमेटिक मीन का मतलब मीन है क्या, अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज है क्या, एवरेज का मतलब सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, एवरेज का मतलब सेंट्रल टेंडेंसी है क्या। यहां पे हम सिर्फ अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं, अगर मीन दे रखा है तो उसका मतलब भी अर्थमेटिक मीन होता है, एवरेज भी वही होता है और सेंट्रल टेंडेंसी भी वही होता है। लेकिन ये सारी चीज तो हमने कहां देखी थी, स्टैटिक्स में, हम बात कर रहे हैं मैथ्स की, MATHS मैथ्स की बात कर रहे हैं। किसी को मैथ्स से डर तो नहीं लगता, किसी ने फुल फॉर्म तो नहीं बना रखी मैथ्स की, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। जब बच्चे को डर लगता है ना मैथ्स से, तो ऐसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं, ठीक है। मैंने भी बनाई थी शुरू में, जब शायद 7th क्लास में थे शायद, तो मैथ बहुत दुखी करता था, तो मैथ्स की फुल फॉर्म बनाई थी, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। लेकिन फिर नहीं, मान नहीं, मजा नहीं आया, ठीक है। तो मैथ को इतना घोट के पी लिया कि अब फुल फॉर्म वो भूल गए, वो तो फुल फॉर्म। तो किसी को डरना नहीं है मैथ से, जब तक हमें फिर क्यों डरना है मैथ से। तो अर्थमेटिक मीन का करना है, अर्थमेटिक मीन ही बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने लेंगे, 2, नंबर ऑफ टर्म कितने लेंगे 2, क्योंकि ज्यादा नंबर का तो मीन हमने निकाल दिया स्टैटिक्स के अंदर, 5 टर्म का भी निकाला, 10 का भी निकाला, इंडिविजुअल सीरीज भी करी, डिस्क्रीट भी करी, कॉन्टिन्यूस सीरीज भी करी, सारा कुछ तो किया सेंट्रल टेंडेंसी में। यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, यहाँ पे है ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी के अंदर है, ए बी सी किसके अंदर, एपी के अंदर, तो बी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। बी जो है, जो बीच वाली टर्म है, वो अर्थमेटिक मीन होता है ए एंड सी का। स्टैटिक्स के अंदर बताया था अगर डिफरेंस सेम है तो बीच वाली टर्म मीन होता है, बीच वाली टर्म मीन होता है और मीन ही अर्थमेटिक मीन होता है, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है। तो अगर ए और सी का मीन निकालना हो तो ए प्लस सी बाय टू करेंगे क्या, ये बी के इक्वल आ गया। तो रिजल्ट है काफी जगह यूज होगा अर्थमेटिक मीन का, ठीक है। ए और सी का एवरेज करेंगे तो ए प्लस सी बाय टू आएगा ना, ये बी के इक्वल है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 and 10, इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है क्या एग्जाम में, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन भी गलत होगा, कब, जब आपके दिमाग में ये होगा कि एग्जाम बहुत मुश्किल आएगा, एग्जाम के अंदर बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, तब ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो 2 plus 10 by 2 12 by 2 आंसर कितना आ गया 6। तो 2 और 10 का जो अर्थमेटिक मीन है वो आपका कितना आ गया 6 आ गया, बस ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ध्यान से नोट कर लेना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, इसी से रिलेटेड है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ एग्जाम का क्वेश्चन भी कराता हूं मैं आपको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत मजा आ रहा होगा आज की वीडियो में। तो
क्वेश्चन नंबर सेवन। तो जो क्वेश्चन नंबर सेवन है वो कहता है फाइंड द थ्री अर्थमेटिक मीन, फाइंड द थ्री अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू एंड टेन, दो और दस के बीच में तीन अर्थमेटिक मीन बताएं। तो ये टू है, ये टेन है, इसके बीच में तीन अर्थमेटिक मीन बताने, तीन अर्थमेटिक मीन बताने हैं। अर्थमेटिक मीन का मतलब एपी हो गया ना, एपी में ही आएगा अर्थमेटिक मीन, तो जीपी में तो ज्योमेट्रिक मीन आएगा, एचपी में हार्मोनिक मीन आएगा। तो ये एपी में हो गया, एपी में हो गया, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, फर्स्ट टर्म लो जी, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म को कैसे ले सकते हैं, ए प्लस फोर डी, ए कितना है टू, ये प्लस फोर डी, तो ये एट हो गया इधर आके फोर डी, डी कितना आ गया टू आ गया। और अगर डी ऐड करते जाओ, डी ऐड करते जाओ तो टर्म आती जाएगी, डी ऐड करते गए टर्म आती गई, बस टू में टू ऐड किया फोर आया, फोर में टू ऐड किया सिक्स आया, सिक्स में टू ऐड किया एट आ गया, बस क्लियर आया समझ में। तो डी ऐड करते जाओ आंसर आपका आता जाए। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन में एग्जाम का करा देता हूं आपको। देखिए एग्जाम का क्वेश्चन कैसे आया हुआ था, एग्जाम का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर एट नहीं है ये, एग्जाम का क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नंबर था 18, ए बी माइनस थ्री आर इन एपी, फाइंड द टर्म या फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। लो जी ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन 18 ए बी माइनस थ्री आर इन एपी। तो फर्स्ट टर्म कितनी है 18, वन टू थ्री फोर, फोर्थ टर्म कितनी है माइनस थ्री, ये हो गया ए प्लस थ्री डी, ए इज 18 और ये कितना हो गया माइनस थ्री, तो इधर माइनस 18 ऐड हो गया कितना हो गया माइनस 21 और डी की वैल्यू आ गई माइनस 7। अब डी माइनस में तो लेस करते जाओ 18, फिर 18 में से 7 लेस किया कितना आ गया 11, 11 में से 7 लेस किया 4 और ये तो माइनस 3 है ही, तो आंसर आ गया 11 और 4, बस हो गया। देखा ना बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जो क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन वही आएगा, थोड़ा सा बस वैल्यू चेंज हो जाएगी और कोई फर्क नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था अभी हमने, ये 7, क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका होगा टर्म के ऊपर, जैसे कि थ्री टर्म एज्यूम करनी आपको, थ्री टर्म की जब भी बात करें चैप्टर के अंदर एपी के अंदर, फोर्थ टर्म की जब भी बात करें या फिफ्थ टर्म की जब भी बात करें, दो टर्म के ऊपर क्वेश्चन होता नहीं है, पांच से ज्यादा पूछेगा नहीं। तो तीन टर्म का क्वेश्चन पूछे तो तीन टर्म एज्यूम करनी है एपी के अंदर, ए माइनस डी ए ए प्लस डी। सर यही वाली क्यों एज्यूम करनी है, सिंपल भी तो एज्यूम कर सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड पी के यू आर, ठीक है वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये करके जल्दी आंसर आएगा इसलिए ये वाली एज्यूम करते हैं। कैसे अभी एक क्वेश्चन करेंगे ना फिर बताता हूं। ये एज्यूम करनी है ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी, ये एज्यूम करनी है, और फाइव आ जाए तो वन माइनस टू डी वन ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, बस ये याद कर लो, ये याद कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो बस तीन टर्म है तो ये, चार है तो ये, पांच है तो ये। अब ये क्वेश्चन करते हैं तीन टर्म का, एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ये नोट कर लिया फटाफट, नोट करना है फटाफट का मतलब क्या होता है, मैं वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ ना फटाफट, आप वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो, फिर कंटिन्यू कर लो। थ्री टर्म का क्वेश्चन करेंगे, देखिए, हाँ जी, क्वेश्चन नोट करना फटाफट, फाइंड द या थ्री टर्म आर इन एपी, थ्री टर्म्स आर इन एपी हुज सम इज 69 एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू टर्म, प्रोडक्ट ऑफ
फर्स्ट टू टर्म इज 483, फाइंड द टर्म्स। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब तक कंसेप्ट नहीं आता इजी भी टफ लगने लग जाता है। तीन टर्म है, तीन टर्म ये माननी है, मान ली भाई, उनका सम लो जी सम कर दो। सम किया तो डी से डी कट हो गया, सम किसके इक्वल दे रखा है 69 के, तो 3a इक्वल टू 69, a इक्वल टू 23। समझ में आया ये वाले अज्यूम करने के लिए क्यों बोला था, ताकि सम जब करे डी से डी कट जाए आपकी a की वैल्यू तुरंत उसी टाइम आ जाए। अब कहता है पहली दो टर्म का प्रोडक्ट 483 है, पहली दो टर्म तो ये वाली हुई ना जिनमें a तो 23 है, तो 23 माइनस डी और सेकेंड टर्म कितनी है 23, इनका प्रोडक्ट है 483। 23 पे कट करोगे ये जाएगा 21 पे, डी की वैल्यू आ गई 2, डी उधर ले गए, 21 इधर आके माइनस हो गया, डी की वैल्यू आ गई 2। अब डी की वैल्यू पुट कर दो, ए कितना है, ए है सर 23, 2 माइनस किया तो 21, 2 प्लस किया तो 25। आया समझ में, 21 23 और 25 तीन टर्म आ गई जिनका सम 69 है, पहली दो का प्रोडक्ट 483 है और तीनों एपी के अंदर है। सबसे पहले ए की वैल्यू आ जाएगी, दूसरी कंडीशन लगाएंगे डी की वैल्यू आ जाएगी, ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 शायद हमने सीक्वेंस उसमें स्टैटिक्स में भी करा होगा, बट यहां भी करेंगे उसको, यहां पे भी क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पे उसका यूज आएगा काफी ज्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, समेशन एन स्क्वायर समेशन एन क्यूब, ठीक है ना, स्टैटिक्स के अंदर भी किया था। तो ये फॉर्मूला लिखना है यहां पे, एन एन प्लस वन बाय टू, एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स, एन एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 इसके ऊपर आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 बोलेगा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर। वहां पे मैंने क्वेश्चन कराया था एवरेज के लिए, एवरेज में इन सबको एन से डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ पे कोई एवरेज नहीं निकालना, यहाँ पे खाली सम पूछेगा इसके अंदर, ठीक है। एवरेज तो फिर उसके अंदर आ जाएगा ना स्टैटिक्स के अंदर। तो ये फॉर्मूले बस ध्यान रखने, फॉर्मूले ध्यान रख लिए बस हो जाएगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो बस एन आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, मान लीजिए ये एन दे दे, टेन पहले 10 नंबर का सम बताना है, तो 10 11 बाय 2 आंसर इज 55। यहां पे दे दे मान लो 10 दे दे, यहां पे क्या दे दे 10 दे दे, बस 10 पुट कर दो, तो 10 ये 11 ये 21 डिवाइड बाय 6, तो ये गया 3 से 7 पे, 3 से 2 पे, 2 से 5 पे, आंसर इज 385 हो गया। बस इसके अंदर n की जगह देते 10, तो ये 10 ये 11 बटे में 2 और इसका स्केयर, तो 55 का स्केयर आंसर इज 3025। सर आपने 55 का स्केयर इतनी जल्दी कैसे कर लिया, मेरे को तो ट्रिक याद है इसकी, आप कैलकुलेटर पे कर लेना, इसकी ट्रिक अभी करने का फायदा नहीं है। ये ट्रिक तो जो क्वांट एप्टीट्यूड होता है ना, अर्थमेटिक मैथ होता है, जो कि आपका SSC बैंकिंग उनके अंदर आता है, उसके अंदर ट्रिक होती है इसकी, तो वो ट्रिक अभी मत करो आप लोग, ठीक है, कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं करा दूंगा। अभी जो आपका सिलेबस है उसकी ट्रिक कर लो, ठीक है ना। 55 का स्केयर जो है आप कैलकुलेटर पे करके देखोगे 3025 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको ये तीन फॉर्मूले देखने थे, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और कर रहे हैं आज के लेक्चर में, ये 11 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि टाइम देख रहा हूँ यहाँ पे 39 मिनट 30 सेकंड चल रहा है, ठीक है। तो 40-45 मिनट का लेक्चर बहुत होता है, तो फिर ज़्यादा भी आराम से करेंगे ना, टाइम बहुत है अपने पास। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ट्रिक ही ट्रिक आएगी, देखोगे ये भी ट्रिक वो भी ट्रिक, इधर से भी ट्रिक उधर से भी ट्रिक, ठीक है ना, क्योंकि आज हम बेस तैयार कर रहे हैं अपना। तो क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 10,
टेन और इलेवन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर टेन के अंदर आपको tn दे रखा होगा, मान लीजिए ये दे रखा है 2n प्लस 3। एक क्वेश्चन यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एपी की जो टर्म है वो हमेशा किसमें होती है, आपको ऑप्शन देगा। ऑप्शन क्या देगा, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, नन ऑफ दीज। तो याद रखना लीनियर इक्वेशन। सर लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, आपका चैप्टर है इक्वेशन वाला, उसके अंदर सारी करेंगे, ट्रिक भी करेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए याद रख लेना, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा जरूर। तो जहां पे मेरे को ये लिखा तो मेरे को याद आ गया, जो भी टर्म है वो हमेशा किस में होती है, एपी की लीनियर इक्वेशन में होती है, इतना याद रख लेना। अब आपको निकालना है एस एन, इसे एस एन कैसे निकालेंगे, ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक करेंगे अगले लेक्चर में, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है ना। ट्रिक करेंगे अगले लेक्चर में, यहाँ पे क्या क्लियर करना है, कंसेप्ट। आंसर तो मैं बता दूंगा, n स्क्वायर प्लस 4n आएगा आंसर, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट करेंगे, जो ट्रिक है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, क्योंकि आपका बेस जो है वो तैयार होना चाहिए पहले। तो कैसे करते हैं, समेशन tn सर जितने भी टर्म है उनको जोड़ देंगे तो आपका ये है आंसर आ जाएगा। तो समेशन 2n प्लस 3, ठीक है। तो 2 तो कॉन्स्टेंट है, आगे आ जाएगा समेशन n और समेशन 3। थोड़ा सा कंसेप्ट भी सीख लिया करो, ट्रिक तो करेंगे, ट्रिक से तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो इसके ऊपर समेशन 2 मल्टीप्लाई में था, आगे आ गया समेशन n और समेशन 3। समेशन n अभी हमने लिखा ही था, n n+1/2। समेशन 3 मतलब 3 को जोड़ना है कितनी बार, n बार, 3n आ जाएगा ना। जैसे कि 3 को 10 बार जोड़ना है, 3 + 3 + 3 + 3 + 3, 10 बार जोड़ोगे 30 आएगा ना। तो 30 कैसे निकाल सकते हैं, 3 × 10, 30 आ जाएगा। तो 2 से 2 कट हो गया, n² + n + 3n, n² + 4n, बताया तो था यही आंसर आएगा, ठीक है ना। सर आपको कैसे पता था, निकाल लिया मैंने, सोल्व किया है, कैसे किया, ट्रिक से, आपको भी करना सिखाऊंगा। तो tn से क्या निकाल लिया, sn निकाल लिया, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, tn से sn निकाला है, उसमें निकालेंगे sn से tn। हाँ जी देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आज का लास्ट क्वेश्चन, 11 क्वेश्चनों के साथ हमारा जो कंसेप्ट है वो एपी का एक बार कवर हो जाएगा, और फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं और जितने भी शॉर्ट ट्रिक है फिर वो करेंगे। एपी खत्म नहीं हुआ, एपी शुरू हुआ है अभी तो उसका कंसेप्ट मजबूत किया है, उसके ऐसे ऐसे ट्रिक करेंगे, देखते रह जाओगे, ठीक है। और जो आपके आसपास स्टूडेंट हो ना, जो बच्चे कहीं और से कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, अपने को वैसे कोई मतलब नहीं है कोई बच्चा कहाँ से कोचिंग ले रहा है, लेकिन एक मजा आता है किसी को छेड़ने में, ठीक है ना, बहुत मजा आता है, मेरे को पता है आप भी मजे लेते हो, ठीक है ना। तो एक बार पूछना, नोटबुक देखना, वीडियो देखना, कंपेयर करना, फिर मजा आएगा, आपको आएगा, मेरे को तो हर बार ही आता है, ठीक है ना। उनके क्वेश्चन देखना किस तरीके से किए हुए हैं, अपने क्वेश्चन देखना किस तरीके से किए हुए हैं, और फिर देखना ट्रिक का, ना मजा आए तो बोलना। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है sn n² + 4n, tn फाइंड आउट करना, आंसर तो वही आएगा 2n + 3, उसी का तो रिवर्स क्वेश्चन किया है, लेकिन कंसेप्ट करना है, कंसेप्ट से कैसे निकालेंगे। तो tn का फॉर्मूला लिख लेंगे sn - sn - 1, ये नोट कर लो, एक दो जगह क्वेश्चन में भी यूज करें। कोई भी टर्म निकालनी है तो सभी टर्मों के सम में उसे एक टर्म सम का माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, मान लीजिए आपको ये टर्म निकालनी है, तो इन 5 टर्मों का सम कितना हो गया, 15, इनका सम कितना हो गया, 10, मतलब कि 5 टर्म के सम में से 4 टर्म का सम माइनस किया तो 5वीं टर्म आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रख लिया तो क्वेश्चन हो गया बस। देखिए अब, हाँ जी,
तो SN तो ये दे ही रखा है, लो जी SN हो गया ये, माइनस N की जगह पुट करना है N माइनस वन, तो N माइनस वन का स्क्वायर और 4N माइनस वन, ठीक है, N स्क्वायर प्लस 4N और ये हो गया N स्क्वायर माइनस 2N प्लस वन प्लस 4N प्लस माइनस का 4। तब देखिए एन स्क्वायर प्लस 4N माइनस एन स्क्वायर, ये हो गया 2N माइनस 2N माइनस 3 प्लस 3, तो ये तो कट गया, आंसर आ गया 2N प्लस 3। सर ये क्वेश्चन तो लेंथी हो गया, नहीं होगा क्योंकि अभी तो बेसिक बताया है, ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शन से करेंगे, पुट करके करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ट्रिक की ट्रिक होगी, ठीक है ना। आज वाला लेक्चर कंसेप्ट के नाम, ये कंसेप्ट अच्छे से करना, 11 की 11 क्वेश्चन नोट कर लेना और फटाफट पिक क्लिक करना और सेंड कर देना ताकि मैं भी देख लूं किस तरीके से आपने नोट कर रखे हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, एंजॉय करते रहिए लेक्चर को, ठीक है, स्टडी भी करो एंजॉय भी करो, ठीक है, सीरियस भी हो रिलैक्स भी रहो, ठीक है। तो सो मच फॉर दिस वीडियो, देखते रहिए मजा लेते जाइए।